हेलो अगेन स्टूडेंट्स. सो हम कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे एपी से रिलेटेड. सो हमारे पास ये तीन क्वेश्चंस और हैं, ये तीन क्वेश्चंस बच गए थे, इनको कंप्लीट करते हैं. तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस रहे, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी और फोर नंबर्स इन एपी और फाइव नंबर्स इन एपी, तो हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थ्री फोर एंड फाइव नंबर्स एक सीरीज में लेंगे और वो नंबर्स ज्यादा कन्वीनियंट होगा इस तरह से लेना, ना कि ए प्लस डी ए प्लस टू डी, उस तरह से लेने से ज्यादा बेटर है हम इस तरह से नंबर्स को लेंगे. तो देखो, थ्री नंबर्स इन एपी, थ्री इज एन ऑड नंबर, फोर इज एन इवन नंबर एंड फाइव अगेन इज एन ऑड नंबर. तो जहां भी ऑड नंबर पूछा जाए, जैसे थ्री नंबर्स इन एन एपी तो ऑड नंबर है, थ्री इज एन ऑड नंबर, तो हम क्या करेंगे, हम ए से स्टार्ट करेंगे, मिडिल टर्म से ए से स्टार्ट करेंगे, पीछे जाएंगे a माइनस डी, इससे आगे जाएंगे a प्लस डी. अब उसी तरह जब फोर नंबर से एपी पूछा जाए तो आप करोगे a माइनस डी और a प्लस डी से स्टार्ट. दैट मींस a माइनस डी और a प्लस डी दोनों सेंटर पे रहेगा. a माइनस डी से पहले एक नंबर ले लेना है और a प्लस डी से बाद में एक नंबर ले लेना है. तो a माइनस डी और a प्लस डी, क्योंकि ये इवन है तो हम स्टार्ट करेंगे a माइनस डी a प्लस डी से. अगेन फाइव नंबर इन एपी, क्योंकि फाइव ऑड है तो हम स्टार्ट करेंगे ए से. जैसे यहाँ देखो ऑड में क्या स्टार्ट किए थे, ए से, उसी तरह फाइव में ए से स्टार्ट करेंगे ऑड. इससे आगे एक नंबर ए माइनस डी, इससे आगे एक ऑड टर्म ए माइनस टू डी, ए के बाद ए प्लस डी ए प्लस टू डी. तो इस तरह से हम सीरीज बनाएंगे फाइव नंबर्स का. फोर नंबर्स का सीरीज बनाने के लिए देखो, बीच में ए माइनस डी ए प्लस डी है, यहाँ बीच में एक नंबर आएगा ए, एक टर्म आएगा, और इसको हम छोड़ रहे हैं, इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं. एक्सक्लूड करने का मतलब है कि हम इसको अगर छोड़ते हैं इन दोनों के बीच में, तो आगे फर्दर जो इससे पीछे वाले नंबर होंगे उसमें भी हमें एक टर्म छोड़ना पड़ेगा. तो यहाँ हम छोड़ करके a माइनस टू डी छोड़कर क्या लिखेंगे, a माइनस थ्री डी. तो इस तरह से हम थ्री नंबर्स इन एपी, फोर नंबर्स इन एपी एंड फाइव नंबर्स इन एपी को लिख सकते हैं. जैसे देखो, फिर से देखो, थ्री नंबर्स इन एपी, ए ए माइनस डी ए प्लस डी. तो सबसे पहले ए लिखेंगे, फिर ए से पहले एक नंबर ए माइनस डी प्रीवियस नंबर, फिर ए प्लस डी. क्लियर है? अब और थ्री नंबर्स हो गया, अब आते हैं फाइव नंबर्स पे. ऑड नंबर्स पहले देखते हैं, ऑड नंबर्स दैट इज फाइव नंबर्स इन एपी. तो ए से स्टार्ट करेंगे, ए से पहले ए माइनस डी, ए माइनस डी के बाद ए माइनस टू डी, सिमिलरली ए प्लस डी एंड ए प्लस 2D. क्लियर है? नाउ इवन नंबर पे आइए, ये देखिए इवन नंबर, फोर नंबर्स. अब फोर नंबर्स है तो इवन नंबर में कहां से स्टार्ट करना है, a माइनस डी a प्लस डी. सो a माइनस डी a प्लस डी, बीच में a छूट रहा है, तो इससे आगे जब बढ़ोगे तो इससे आगे एक टर्म छोड़ना है, दैट इज a माइनस 2D. छोड़ दो, आगे बढ़ो a माइनस 3D. सिमिलरली यहां पे a प्लस 2D छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे a प्लस 3D. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. चलो क्वेश्चंस करते हैं. A से स्टार्ट करेंगे, एक इससे पहले का एक टर्म a माइनस डी, इसके बाद का एक टर्म a प्लस डी. सो लेट द थ्री नंबर्स इन ap बी a माइनस डी a a प्लस डी. ठीक है, ये नंबर ले लिए. अब देखो कंडीशन क्या है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ap इज 12. बोला जा रहा है तीन नंबर्स का सम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम, दैट मींस a माइनस डी a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी. इसका सम कितना, सम इज 12, सम इज 12. यहां से इक्वेशन बनाते हैं. नाउ आपको दिख रहा होगा माइनस डी प्लस डी. देखो समझ आया क्यों ये टर्म लेना है, क्यों ये सीरीज लेना है. ए ये ना ये नंबर ले सकते थे ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, ये भी ये तीनों नंबर भी तो एक ही में है, बट ये नहीं लेंगे. क्या लेंगे, एक स्पेशल सीरीज बनाकर इस तरह से नंबर्स को लेंगे, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. माइनस डी प्लस डी, नाउ ए प्लस ए प्लस ए दैट इज
3a is equal to 12, यहां से a का वैल्यू निकल कर आता है 4, क्योंकि 3 1 = 3, 3 4 = 12, निकल कर आया a का वैल्यू 4, तो फर्स्ट सम हमें मिल गया। अब आगे क्या है, आगे कंडीशन पढ़ो, sum of their cubes is 288, अब इनका cubes का sum का, cubes के sum को हमें रखना है 288, now again, sum of their cubes, a minus d cube plus a cube plus a plus d whole cube that is equal to 288. क्या find करना है, फिर से question पढ़ो, we have to find the numbers, ये तीन numbers कौन-कौन से हैं, जिन numbers को हमने assume किया है, जिन्हें हमने suppose हमने माना है तीन numbers AP में हैं, तो वो numbers कौन-कौन से हैं, उन numbers को निकालना है। तो ये कंडीशन, पहला कंडीशन से का वैल्यू 4 आ गया, दूसरा कंडीशन देखो लिख चुके हैं हम यहां पे, अब इसको ब्रेक करते हैं आइडेंटिटीज में, a minus d होल क्यूब, आपको याद होगा आइडेंटिटीज, अगर क्या आइडेंटिटीज था, आइडेंटिटी क्या था, देखो आइडेंटिटी देखो, भूल गए होगे तो यहां देख लो, a minus b होल क्यूब दैट इज a क्यूब minus b क्यूब minus 3ab a minus b or a cube minus b cube minus of 3 a to a square 3 a square b minus minus plus 3 a b square। देखो a minus b का identity ये रहा, अब यहाँ पे a plus b भी है, इसका भी identity यहाँ लिख देते हैं, a plus b whole cube that is equal to a cube plus b cube plus 3ab a plus b or we can write it as a cube plus b cube plus 3ab into a that is 3a square b plus 3ab into b that is 3ab square। तो ये आइडेंटिटी है, देख लो यहां से, अब ये आइडेंटिटी यहां लगाते हैं, a minus d whole cube that is a cube, आगे क्या है देखो minus d cube, आगे क्या है देखो minus 3a square b minus 3a square d, यहाँ b के प्लेस पे d है तो b मत लिख देना, फिर plus plus क्या है देखो 3ab square 3ad square 3ad square plus a cube plus, अब यहाँ पे plus वाला identity लगाओ, a plus b whole cube that is a cube plus d cube plus 3 a square d plus 3ad square is equal to 288। देखो कितना लेंथी हो गया इक्वेशन, शॉर्ट करते हैं इसको, शॉर्ट कैसे करेंगे, a का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू क्या है 4 है, a के प्लेस पे 4 पुट करते हैं, 4 क्यूब करो, 4 क्यूब क्या होगा, वेरी गुड 64 प्लस d क्यूब minus 3a square, a square is 4 square is 16, 16 into 3, 16 into 3 क्या होगा बताइए, 16 into 3, 6 3s are 18, carry 1, 48, that is 48 what, d का भी value find नहीं किया हम लोग, तो d का value जब आ जाएगा तो तीनों term आ जाएगा, because a आ गया है, d निकाल लेंगे तो हो जाएगा काम हमारा, now 3 into a, 3 4s are 12 d square plus a cube, देखो 64 plus d cube plus 3a square, 3 square कितना आया था 48d plus 3a कितना आया 12, this is 12d square equals to 288। ध्यान से देखो क्या कुछ cancel हो रहा है क्या, 48d plus 48d minus 48d plus 48d cancel हो जा, काट देते हैं minus 48 plus 48 और क्या क्या बचा, 64 plus 64 plus 64 आगे 12d square plus 12d square और कुछ बचा क्या, d cube plus d cube और कुछ 1 2 3 4 5 6 7 चलो हो गया equals to 288, यहां से 64 तीन बार 4 2 जा 8 4 3 जा 12 carry 1 6 3 जा 18 plus 1 19 192 okay
plus 12d square, this is 24d square, plus 2d cube is equal to 288. ध्यान दो यहाँ पे, ना 24d square and यहाँ से आप क्या फॉर्मूला ले सकते हो? तो सबसे पहले जिस नंबर को उधर ले लो, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 24d square plus 2d cube is equal to 288 minus 192. ओके, रख फिर ऊपर देखो, देखिए अब यहां पे क्या है, 288 minus 192. अच्छा यहां से बताओ कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन क्या निकलेगा यहां से, 2d square कॉमन आ गया, अंदर बच गया यहां पे 12d यस, प्लस 12 यस इज इक्वल टू दिस इज 96, isn't it? 96. 288 minus 192. 96. अब इससे आगे क्या करेंगे? ओके, सिंपली डी स्क्वायर 12 प्लस डी, ए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसके पास भी दो सॉल्यूशन होगा, दो वैल्यू आएगा डी का. 96 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 8, 2 8 16, दैट इज डी स्क्वायर 12 प्लस डी इक्वल्स टू 48. इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाकर, 48 डी स्क्वायर 12 प्लस डी इक्वल्स टू 48. इससे आगे सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, अब से डी का वैल्यू तो आ गया है, तो कुछ गलत है शायद, क्या माइनस ऑफ, अच्छा माइनस ऑफ बी क्यूब आना चाहिए था, वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए इस तरह से आ रहा है. यस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² ओके, डी क्यूब एंड डी क्यूब ये भी कैंसिल होना चाहिए था, बट यहाँ पे साइन गलत हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ध्यान देना है साइन में. देखो यहाँ पे गलत हुआ मेरे से, तुम लोग से भी हो सकता है, तो साइन को बहुत ध्यान से करना है. 24d² इज इक्वल टू 96, यही आ रहा था ना, डी स्क्वायर आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 24. बोलो कितनी बार में, 4 टाइम्स में. ना डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मींस डी का वैल्यू अंडर रूट प्लस माइनस 4, तो डी का वैल्यू कितना आया, प्लस माइनस 2. कॉमन डिफरेंस दो है, प्लस 2 और माइनस 2. ना नंबर्स फाइंड करना है, तो थ्री नंबर्स क्या क्या मान लेते हैं, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस बी, ये थ्री नंबर्स हम लोगों ने सपोज किया था. अब सबसे पहले इस तीनों टर्म में आप बी का वैल्यू प्लस 2 पुट करोगे, उसके बाद फिर दूसरा पुट करोगे. सबसे पहले प्लस 2 निकालते हैं, देखो ए इज 4 माइनस ऑफ प्लस 2, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर इज 4 एंड थर्ड इज 4. 4 प्लस डी कितना, डी कितना 2, 4 प्लस 2 तो नंबर आ गया 2, 4, 6. देखो ये एक नंबर आ गया, वी हैव टू फाइंड द नंबर्स 2, 4, 6, ये नंबर्स निकल गया. अच्छा एक और होगा, यहां पर हम यूज किए डी का वैल्यू प्लस 2, पॉजिटिव वैल्यू यूज करके बना रहे हैं. डी का पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे तो 2, 4, 6 आएगा, नेगेटिव वैल्यू यूज करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू अगर यूज करोगे तो जस्ट इसका रिवर्स वाला नंबर आएगा, और 6
4, 2, समझ आया? तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए तो नेगेटिव वैल्यू के साथ अलग निकालने का जरूरत नहीं है, क्या करोगे सिंपली ये पॉजिटिव वैल्यू डाले, 2, 4, 6 आया, नेगेटिव वैल्यू में जस्ट ऑपोजिट 6, 4, 2 इधर से स्टार्ट करेगा नंबर। यकीन नहीं हो रहा है? चलो देखो प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पे ए माइनस डी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ए प्लस डी। तो अब यूज करना है नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे लिखो 4 माइनस ऑफ माइनस 2, 4 माइनस 2, देखो कितना आ गया 4 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 6, 4, 4 माइनस 2, देखो आया ना। तो इसी तरह से जब भी डी का दो वैल्यू आए या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह एक इक्वेशन बने और डी का दो वैल्यू आए, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले टर्म्स निकालोगे, इस गुना भी टर्म्स निकालने के लिए बोला गया है। जैसे मेरे पास है 2, 4, 6, ये तीन टर्म निकालने के लिए बोला गया था, तीन टर्म निकाल दिया गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही तीनों टर्म पॉसिबल है, एक और टर्म पॉसिबल है और वो है 6, 4, 2, बिकॉज डी का दो वैल्यू आ गया, ए का तो सिर्फ एक ही वैल्यू है बट डी का दो वैल्यू है। अब यहाँ देखो जैसा मैंने बताया था इस क्वेश्चन के बारे में, ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसा मैंने बताया था, किसी भी क्वेश्चन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है, आप ए फाइंड कर लेते हो, आप डी फाइंड कर लेते हो, ए और डी दैट इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, जब ये दोनों टर्म आप फाइंड कर चुके हो तो आप एपी का कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ए निकल कर आ गया हमारे पास, डी निकल कर आ गया हमारे पास, हमने लगा दिया ए माइनस डी, ए प्लस डी, तीनों टर्म जो हमने अज्यूम किया था लगा दिया हमने और हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा, यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ माइनस जी था तो यहाँ प्लस डी हमने लिख दिया था, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो आप लोग भी रेक्टिफाई कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी सच दैट द नंबर ए कॉमा 7 कॉमा बी कॉमा 23 एंड सी आर इन ए बी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसका लैंग्वेज आपको समझना है, चलिए सॉल्व करते हैं। दिन के 2 बज रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, आप भी पढ़ाई कीजिए, मन लगाइए, है ना? Yes, okay. Okay. Find the value of A, B, C such that the numbers A, 7, B, 23 and C are in the AP. अच्छा देखो, question number 8. Are in AP, A, B, C. We have to find the values of A, B and C. जरा सोचो क्या होगा, पॉज करो सोचो। The given AP, अब देखो लैंग्वेज, the given AP is A, 7, B, 23 and C. A, 7, B, 23, C are in APs, we have to find the value of A, B and C. अच्छा, common difference का concept बताया गया आपको, याद करो याद करो, बिल्कुल बताया गया, common difference का concept बताया गया ना? तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपली सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म या फिर आगे का टर्म को पीछे के टर्म से माइनस करते हैं। यहाँ देखिए इसका कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 8 आएगा। जब ये एपी में है तो क्या आप बोल सकते हो कि ये हमारा कॉमन डिफरेंस सबसे होगा? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो देखो 7 माइनस ए इक्वल्स टू बी माइनस 7 इक्वल्स टू 23 माइनस बी इक्वल्स टू सी माइनस 23, बोल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, ये टर्म और ये टर्म सिर्फ इन दोनों की इक्वेट करते हैं। ओके नाउ बी माइनस 7 इक्वल्स टू 23 माइनस बी, बी प्लस बी इक्वल्स टू 23 प्लस 7। What is b plus b? Twice of b, 23 minus, plus 7, that is 30. B का value बोलो 15, आया? B का value 15 आ गया? Yes, very good. अब उसी तरह आप जरा ध्यान से देखो वहां पे, जब b का value आ गया तो आप common difference निकाल लिए या नहीं निकाल लिए इन दोनों में? जैसे अब ये भी क्या बन जाएगा, देखो AP becomes, wow language, AP becomes A 7, 15, 23, 7. यहां से यहां तक जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए
जब यहां से यहां तक आपके पास एक एपी था तो क्या यहां से यहां तक एपी नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। अगर ये एपी कहलाएगा यहां से यहां तक, तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 15 माइनस 7 क्या हो जाएगा? ये कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 15 माइनस 7 करो, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा? 8। वेरी गुड, 8 कॉमन डिफरेंस 8 आ गया। अब ए निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या यूज किए थे? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस ए, कॉमन डिफरेंस कितना है? 8 है, दैट इज 7 माइनस ए। अब बताओ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू बन जाएगा 7 माइनस 8 ही बनेगा। उसी तरह सी का वैल्यू कितना आएगा? सी का वैल्यू निकालने के लिए आप यहां से इक्वेशन निकालो ना, अगेन C माइनस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सी माइनस 23। यही तो होता है, आगे का टर्म माइनस पीछे का टर्म, आगे का टर्म माइनस पीछे का टर्म, यहां तो एक ही है। देखो 7 माइनस ए, आगे का टर्म माइनस पीछे का टर्म। नाउ D का वैल्यू हमारे पास है 8। नाउ C का वैल्यू क्या है हमारे पास? C का वैल्यू नहीं है, निकालना है। तो C माइनस 23, यहां से 8 प्लस 23 इक्वल्स टू C, कितना आ गया? 8, 9, 10, 11, 31 इक्वल्स टू C, C का वैल्यू 31। अब देखो सारा वैल्यू आ गया, therefore the required value of A, B, C is A is equal to minus 1, B is equal to 15 and C is equal to 31। देखो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से सिर्फ कॉमन डिफरेंस का खेल था यहाँ पे, कुछ भी नहीं था, थोड़ा ट्रिकी था लैंग्वेज, बट फिर भी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप तोड़ कर रख सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या किया जाए, बना दिया जाए। चलो एक बार ट्राई करो से, क्वेश्चन नंबर 9 इसी कंसेप्ट से, थ्री नंबर आए इन एपी, फोर नंबर आए इन एपी, इस तरह से उसी कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे और चेक करेंगे। चलिए बना लिए, पॉज कीजिए, बनाइए। चलो आई होप आप बना चुके होंगे। अब देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन क्या है 9 नंबर का। क्वेश्चन देखो 9 नंबर का सॉल्यूशन देखो और मैच करो, जिनका आ जाएगा वो कमेंट करेंगे, जिनका सही है वो कमेंट करेंगे, जिनका गलत है वो भी कमेंट करेंगे। एंड कीप ट्राइंग, बनेगा क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, ज्यादा टफ नहीं है, सब कुछ बनेगा धीरे धीरे, हौले 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 करेंगे आगे, ठीक है। ओके, डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स, कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स। 4 क्या है, इवन या ऑड? सर इवन है, वेरी गुड, इवन है। तो कहां से नंबर स्टार्ट करेंगे? ए माइनस डी, ए प्लस डी से। सो द फोर नंबर्स इन एपी, फोर नंबर्स इन एपी आर कौन कौन से होंगे? सबसे पहले आप स्टार्ट करो ए माइनस डी और इधर लिखो ए प्लस डी। इससे पहले का नंबर क्या आएगा? ए माइनस टू डी को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? ए माइनस थ्री डी और इधर आ जाएगा ए प्लस थ्री डी। बोलो समझ आया, समझ आया जी? यस समझ आया, वेरी गुड। आगे देखो आगे क्या करेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स, इस 56 को इस चारों पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मिडिल इज 5:6। अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करो इस क्वेश्चन को, स्टार मार्क करो और प्रैक्टिस करना, बहुत बहुत प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को, बहुत प्रैक्टिस करना है, जब तक बने नहीं तब तक प्रैक्टिस करना है, जब तक है जान, जब तक है जान। ओके चलो, फोर नंबर्स इन एपी आर ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। नाउ अच्छा बताइए 56 को हम इन्हीं फोर नंबर्स में डिवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो कैन आई राइट a माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू व्हाट? 56, क्योंकि 56 को इन्हीं नंबर्स में तोड़ा जा रहा है,
तो आंसर भी आएगा 56। तो सबको ऐड करने से, अब देखो ऐसा नंबर्स हम क्यों लेते हैं, यहाँ पर इवैल्यूएट देखो इन नंबर्स का, माइनस थ्री से माइनस थ्री डी मर गया, माइनस टी से प्लस डी मर गया, क्या बचा, वन टू थ्री फोर बच गया, फोर टाइम्स ए इक्वल्स टू 56। सो फ्रॉम हियर ए का वैल्यू वी हैव 56 डिवाइडेड बाय 4, वी हैव 4 वन्स आर 4, 4 फोर्स आर 16, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 14। वी हैव द वैल्यू ऑफ ए एज 14 एंड हियर ए इज नॉट आवर फर्स्ट टर्म, ध्यान देंगे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस थ्री डी, ऐसा नहीं लिखना कि a इज आवर फर्स्ट टर्म ऑफ द ap, हम जो ap लिए हैं वहां उस ap का हमारा फर्स्ट टर्म है a माइनस थ्री डी, a नहीं है। तो अब देखो d निकालना है, पहले बताया गया ap में arithmetic progression में a निकाल लो, d निकाल लो, फिर जो भी क्वेश्चन दे दिया जाए उसके साथ सारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला है, सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, अब यहां समझना एक्सट्रीम्स क्या होता है, एक्सट्रीम्स होता है सबसे पहला नंबर इधर से और सबसे लास्ट नंबर, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम। जैसे यहाँ देखो इस नंबर को और इस नंबर को हम बोलेंगे एक्सट्रीम्स और बीच वाले नंबर्स को हम बोलेंगे मीन्स या फिर मिडिल टर्म, ये हो गया मिडिल टर्म और ये हो गया एक्सट्रीम टर्म। तो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट रेशियो कितना 55 to 6। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव द प्रोडक्ट, the ratio of the product of their extremes, product of their extremes, product of their extremes, इन दोनों का देखो product a minus 3d and a plus 3d, कुछ identity याद आया a minus 3d a plus 3d, अब बीच में देखिए a minus d and a plus d, बोलो identity कुछ याद आया, yes याद आया, कौन सा identity, a square minus b square equals to a plus b whole into a minus b, बोलो याद आया नहीं, चलो यही आइडेंटिटी याद करेंगे यूज करेंगे। अब यहाँ रेशियो कितना है 5:6, ये रेशियो है भाई साहब, क्या हमें a का वैल्यू गिवन है, यस गिवन है, कितना 14, तो a का वैल्यू पुट कर देते हैं सबसे पहले आइडेंटिटी लगाकर, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा a square माइनस 9d square क्यों, बिकॉज़ ये कभी स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6, बोलो समझ आ रहा है 5/6। नाउ a का वैल्यू हमें पता है 14 पुट कर लेते हैं, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 माइनस 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 196 माइनस d square equals to 5/6। अब यहाँ से भाई यहाँ से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना, या हम ही करते हैं, चलो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6/196 माइनस 9d square इज इक्वल टू 5/196 माइनस डी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देखो यहाँ भी डी स्क्वायर आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, d का दो वैल्यू होगा प्लस माइनस समथिंग जो भी है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में जो हम लोगों ने किया था, d का दो वैल्यू आया था, एक वैल्यू आया था पॉजिटिव और दूसरा वैल्यू आया था नेगेटिव, तो यहां पे भी d का दो वैल्यू आएगा बिकॉज d स्क्वायर में आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है यहां पे, d का दो वैल्यूज प्लस समथिंग माइनस समथिंग कुछ भी आए, d का वैल्यू निकालने के बाद जैसे वहां पर किए थे 3 नंबर्स इन एपी था वो, ये 4 नंबर्स इन एपी, तो यहां पे भी a और d का वैल्यू निकालने के बाद अब सारा वैल्यू को इसमें पुट करोगे और जो भी 4 नंबर्स आते हैं 4 टर्म्स जो भी आते हैं उन टर्म्स को रिवर्स में लिखोगे तो दो सेट बनेंगे 4 नंबर का और 4 नंबर, फॉर एग्जांपल अगर आपका d का वैल्यू निकल गया और आपका 3 नंबर्स आते हैं इस तरह से 1 2 3 4, 4 नंबर्स इस तरह से आते हैं तो एक और सेट बनेगा इसी ap का, वो बनेगा इधर से लेफ्ट साइड से सॉरी राइट साइड से 4 3 2 1, इस तरह से बनाओगे, बोलो बन जाएगा ओके। क्वेश्चन बनाइए, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए सही है या गलत आपका, सॉरी मैं बताऊंगा आपका आंसर सही है या गलत, अपने कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर डाल दें। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।